हम एफओ काम क्या करते हैं? What is the role of agriculture field officer? ये सवाल IPPS AFO का जो इंटरव्यू होता है उसमें बहुत ही ज्यादा हॉट क्वेश्चन होता है, और वैसे भी बहुत लोगों को AFO बनना है मगर AFO काम क्या करते हैं ये पता नहीं है। और बस यही मैं प्रोफेसर भड़ के AFO भी हूँ, ठीक है, मैं आपको यही आज इस वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा वीडियो देखने वाले 75% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करते हुए ही वैसे ही वीडियो देख के चले जाते हैं, तो प्लीज गाइस ऐसा मत करिए, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं गाइस, डू सब्सक्राइब। तो गाइस AFO जो है ना एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का जॉब है जिसको करना एक बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात होती है, और AFO का जो एक्चुअली में जो वर्क प्रोफाइल है वो भी बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ कुछ बोलूंगा तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। AFO इज अ प्रीटी एवरेज जॉब, ओके, और AFO ही नहीं बाकी जितने भी ऑफिसर या फिर जो भी है बैंक के जॉब प्रीटी एवरेज ही होते हैं। एक बात मेरे को बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मेरे से AFO क्रैक होगा कि नहीं, मगर AFO इटसेल्फ इज एवरेज जॉब, उसको क्रैक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की क्या जरूरत है भाई। ऑफकोर्स एनी एवरेज पर्सन कैन क्रैक द AFO, थोड़ी पढ़ाई करके थोड़ी मेहनत करके कोई भी एनीवन कैन बी द AFO, ओके। किसी भी बैंक के ब्रांच में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग सेक्शन, उसके बाद कैश सेक्शन होता है, उसके बाद एडवांस सेक्शन या फिर जिसको हम आसान भाषा में लोन सेक्शन कह सकते हैं, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा सेक्शंस होते हैं। और हम AFO डायरेक्टली घुसते हैं एडवांस सेक्शंस में, यानी कि लोन देने वाला सेक्शन, और खासकर एग्रीकल्चरल लोन देने का सेक्शन। तो हमारा प्राइमरी जॉब है एग्रीकल्चरल लोन्स को प्रोसेस करवाना। अभी एग्रीकल्चरल लोन्स को प्रोसेस करना ये सेंटेंस बहुत छोटा दिखता है मगर इसका काम जो है, इसका प्रोसीजर जो है बहुत बड़ा है। ये प्रोसीजर डिपेंड करती है कि फार्मर को कौन सा लोन लेना है, यानी कि उसको केसीसी लोन चाहिए, डेयरी लोन चाहिए, ट्रैक्टर लोन चाहिए या फिर कौन सा लोन चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि लोन का क्वांटम यानी कि लोन अमाउंट जो है उस पर। जैसे कि अगर 1.6 लाख का केसीसी लोन देना है तो इसका प्रोसीजर जो है छोटा है, आप अपने लेवल पे दे सकते हैं, मगर समझो अगर आपको 2 करोड़ का राइस मिल प्रपोजल है और उसको लोन देना है तो आपको नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, उसकी प्रोसीजर लंबी हो जाती है, एंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ दिस मगर। सो अभी आपको थोड़ा प्रोसीजर भी बता देता हूँ। हमारे पास फार्मर, फिशरमैन, उसके बाद एसएचजी यानी कि महिला बचत गट, यानी कि महिलाओं का जो ग्रुप होता है उसको जो कहते हैं एसएचजी कहते हैं, उसके बाद टेनेंट फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स या फिर कोई एग्री बिजनेसमैन अपना लोन का प्रपोजल लेके आते हैं। उसके बाद आपको उस लोन का इंस्पेक्शन करना पड़ता है। सपोज कि आपके पास एक फार्मर केसीसी लोन लेने के लिए यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड वाला लोन लेने के लिए आया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि उसका जो क्रॉप और उसकी जो एग्रीकल्चरल लैंड की डिटेल वाला जो डॉक्यूमेंट है जो हर स्टेट में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसको महाराष्ट्र में 7-12 कहते हैं और इधर तमिलनाडु में अडंगल कहते हैं, ठीक है, तो ये जो क्रॉप और लैंड की डिटेल्स वाला डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले आपको चेक करना है। उसके बाद उसका KYC यानी कि कोई आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस का प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड और भी बहुत सारे कार्ड होते हैं, उसको आपको ऑब्टेन करना है। उसके बाद उस फार्मर ने आपको जो उसके क्रॉप का और लैंड का जो डिटेल्स है उसका जो डॉक्यूमेंट दिया है वो सच में सच है कि नहीं ये देखने के लिए आपको उस फार्मर के फील्ड पे विजिट करना होता है। जैसे कि अगर उसके डॉक्यूमेंट पे लिखा है कि उसके पास 5 एकड़ पे राइस का कल्टीवेशन है तो सच में वो 5 एकड़ राइस है या फिर फार्मर आपको बना रहा है ये आपको देखना पड़ता है। और ये देखना एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि उस क्रॉप का कल्टीवेशन कितने एकर्स पे है और उस क्रॉप के लिए यानी कि राइस के लिए समझ लीजिए स्केल ऑफ फाइनेंस हमारे यहाँ पर क्या है, उसको देख के ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि इस फार्मर को कितना लोन देना है। ये जो स्केल ऑफ फाइनेंस है हर क्रॉप के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज फिक्स किया जाता है, यानी कि अगर किसी फार्मर के पास 2 एकड़ में राइस है और राइस का स्केल ऑफ फाइनेंस 50,000 पर एकड़ है तो इसका मतलब यह है कि उसको 2x50,000 यानी कि 1 लाख इतना ही लोन हम दे सकते हैं केसीसी के थ्रू।
अभी आपका फील्ड विजिट हो गया, लोन का अमाउंट भी फिक्स हो गया। इससे पहले भी अगर आपको उस फार्मर की क्रेडिबिलिटी में शक है तो आप उसका सीआईआर यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जैसे कि सिबिल को निकाल सकते हैं, उसका सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं, उसके बाद उसके सिबिल में आप चेक कर सकते हैं कि उसने कहां-कहां से कितना कितना लोन उठाया है, वो वापस भी देता है कि नहीं और कैसे उसका रिपेमेंट क्या है, ठीक है, उसका कैसा नेचर है रिपेमेंट में, ये सब आप वहां पे चेक कर सकते हैं। एंड चेकिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड पार्ट ऑफ द इंस्पेक्शन। अभी चलो ये भी हो गया, चलो एक अच्छा फार्मर है वो, उसके बाद आपके ब्रांच में जो भी मैनेजर है या फिर जो सीनियर मैनेजर है यानी कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ब्रांच की, उसकी परमिशन लेने के बाद आपको लोन डॉक्यूमेंट्स पे उस फार्मर से सिग्नेचर्स करवाने हैं। और इसके बाद आखिर में हमारा जो सिस्टम होता है, हर एक बैंक में एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें आपको उस लोन को ओपन करना है, ठीक है, लोन नंबर ये सब जनरेट करना है और उसके बाद आखिर में उसका जो अमाउंट है लोन अमाउंट उसके खाते में, फार्मर के खाते में आपको डिसबर्स करना है। और गाइस फाइनली यहाँ पर एक लोन का पार्शियल प्रोसीजर खत्म हो गया, मगर आपको ये सेम प्रोसीजर एक दिन में और ऐसे 10 लोन्स के लिए करनी है। और 10 लोन तो मैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कम बोल रहा हूँ, और ये तो बस केसीसी लोन है जो कि सिर्फ एक टाइप है एग्रीकल्चरल लोन्स का। ऐसे कई और भी लोन्स है जिसको एएफओ प्रोसेस करता है, जैसे कि फिशरीज लोन, डेयरी लोन, फार्म मशीनरी लोन, एसएचजी लोन, जेएसजी लोन, पीएलएफ लोन, एग्री प्रॉपर्टी लोन, एग्री बिजनेस लोन, एग्री क्लीनिंग लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड एज एन एएफओ वी हैव टू लुक आफ्टर ऑल ऑफ दिस। और जनरली जो कि नेशनलाइज्ड बैंक्स होती है जिसको हम सरकारी बैंक्स कह सकते हैं, तो उनमें एग्रीकल्चर का बिजनेस ही लगभग 50-70% होता है, मतलब जो टोटल ब्रांच का बिजनेस है उसमें ज्यादा एग्रीकल्चर ही होता है। सो यू विल हैव टू लुक आफ्टर दिस। अभी ये पहला लोन देने का काम हो गया। अभी आपने लोन दे दिया है तो उसको वापस कौन लाएगा? अपने आप वापस आएगा क्या लोन का पैसा? आएगा, ठीक है। 70-80% फार्मर्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और वो अपने आप ही लोन का जो रिपेमेंट है कर देते हैं। मगर अभी बाकी के लोन्स का क्या? जो लोन बैड लोन यानी कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं, जो लोन डूब चुके हैं, उनको रिकवर करने का जो जिम्मेदारी है वो भी आपके यानी कि हम पे ही होता है। और पर्सनली मेरे को ये काम सबसे ज्यादा दर्दनाक लगता है क्योंकि हायर अथॉरिटीज से आप पे प्रेशर होता है लोन को रिकवर करने का, और इधर फार्मर्स, जब फार्मर्स के पास आप जाते हैं तो फार्मर्स रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, तो बीच में आपकी बैंड बज जाती है। सो ये हो गया रिकवरी का काम। अभी इसके बाद में आपको जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि बैंक से रिलेटेड है उनको इंप्लीमेंट करना भी हम एएफओ का ही काम होता है। और ऐसी बहुत सी स्कीम्स होती है, केसीसी है, पीएमजेडीवाई है, अटल पेंशन योजना है, ऐसी बहुत सी इंप्लीमेंटेशन जो है स्कीम्स की वो भी करनी पड़ती है। सो दिस इज ऑलमोस्ट एज एन एएफओ वी डू, ओके, बस प्राइमरीली इतना ही होता है। मगर इसके अलावा अगर आपके ब्रांच मैनेजर को जरूरत महसूस होती है तो एज एन ऑफिसर, ऑफिसर के जो भी काम होते हैं ब्रांच में वो भी आपसे करवाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इन इमरजेंसी अगर कोई लीव पे है या फिर अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो आपको ये सब जो बाकी सेक्शंस है उनकी तरफ भी देखना पड़ सकता है। सो यू कैन ऐड दिस आल्सो इन दैट लिस्ट। और ये सब जो काम है ये हमारे मन पे नहीं है, मतलब हमारा मन है तो किया, अरे यार आज अच्छा नहीं लग रहा है चलो नहीं करते हैं तो नहीं किया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लोन्स देने के लिए, रिकवरी करने के लिए, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हर बात के लिए बैंक्स में टारगेट होते हैं। मगर ये वर्क प्रेशर, टारगेट स्ट्रेस, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो में मैंने एसओएफ यानी कि स्केल ऑफ फाइनेंस, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे शब्दों का वापर किया है और इसके लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ कोर्स। और अगर आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स को फॉलो करना चाहते हैं डेली
आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट देनी है तो आप हमारा जो ऐप है एग्री इनसाइट, ठीक है, एग्री इनसाइट इंडिया का बेस्ट ऐप है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, उसको डाउनलोड करिए अभी के अभी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप अब तक जिंदा है और ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइज इसको लाइक जरूर करना, ठीक है। ये बहुत ही ईमानदारी से मैंने आपको बताया, ठीक है, ऐसा कोई बताता नहीं है ऐसा मुझे लगता है, तो जो सच है मैंने आपको बताया, इसलिए मैं डिजर्व करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सच को पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। और आखिर में एक बात बताऊंगा कि गाइज बैंक से पगार निकालना कोई इजी बात नहीं है, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। Thank you.